सीतापुर में आज से 15 दिन का अवैध कब्जा हटाने के अभियान की शुरुआत की गई। आज 40 गांव में एक साथ कार्यवाही प्रारंभ की गई। आज लगभग 35 बीघे से अधिक के रकबे से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। तहसीलदार ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने स्वयं ग्राम मुसेपुर मुवल्ली में नेतृत्व किया और नायब तहसीलदार महेंद्र, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, पुलिस पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान की उपस्थित में चारागाह श्रेणी के गाटा संख्या 302 के रकबा 14 बीघे से अधिक भूमि से अवैध कब्जा हटवाया गया। उक्त भूमि को पंचायत सचिव और प्रधान से गोआश्रय थल एवं हरे चारा के रूप में प्रयोग करने को कहा गया। प्रधान और सचिव को यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त भूमि को चारों तरफ से तार से घिरवा दिया जाए, जिससे भविष्य में कोई कब्जा न कर सके। वहीं इस मामले में उप जिला अधिकारी सदर अनिल कुमार ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर पूरे जिले में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे एक महीने तक चलेगा। जिस किसी भी व्यक्ति ने सरकारी जमीन का लाभ चक्रोड़ या राजस्व की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन्हें मुक्त कराया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम भी ये निरंतर हमारी सारी लेखपाल और कार्मिकों और ना तहसीलदार और तहसीलदार की टीम जो है आज 40 गांव में गई थी। वहां पर जो है चारागाह की, कस्टर की, अलिहान की, मरघट की, शमशान की, जो भी जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमियां हैं, उनका जो है बेदखली की कार्रवाई की गई है। और जहां पर भी लोग कब्जे में पाए गए हैं, ट्रैक्टर चला के और जुतवा के उसको जो है ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दे दिया गया है, जिससे कि जन उपयोगी कार्य वहां पर किए जा सके। ये अभियान हमारा लगातार पूरे माह चलता रहेगा और जहां कहीं पर भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं, लगातार टीम भेज के उसको अतिक्रमण कराया जाएगा। ये कौन सी जमीन है? ये सार्वजनिक उपयोगों की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, जिस पर जो है काफी अपात्र व्यक्तियों का कब्जा होने की शिकायतें प्राप्त थी। उसी के क्रम में जो है न्यायालय से जो आदेश हुए उनके क्रम में ये कार्रवाइयां संचालित की जा रही है। ये पूरे माह जो है अभियान चलेगा, उसके बाद समीक्षा की जाएगी। यदि उसमें कहीं कोई चीज छूटा रहेगा तो उसके उपरांत पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कितने सदस्यों की टीम इसमें निकलती है? इसमें करीब हमारे 45 लेखपाल हैं, 3 कानूनगो हैं, 2 नायब तहसीलदार हैं, 1 लेखपाल हैं। और जहां कहीं कोई समस्या ज्यादा आती वहां हम और सीओ साहब दोनों लोग साथ में जाएंगे।